2015 तो लैके 20 तक की इन्वेस्टिगेशन करो, तुसी 12 तो लैके 15 तक बनी रिपोर्ट ते साइन करके अगे करो। सैकटरी चीफ सैकटरी रूप सिंह लिख रहा है कि तो पैसे वसूलने बनते हैं, इन्होंने विरुद्ध कार्रवाई होनी बनती है, पर कुछ देर पहले उन्होंने सरोपा दे के सम्मान नाल रिटायरमेंट तो बाद घर भेजा गया। ये जी असी कापी ली है असी कितने बनाई नहीं, इन्हों की फेसबुक तो ली है जी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने लिए फेसबुक ते पाई। पहली गल तो यह कि जेडे 328 स्वरूप गए ने उन्होंने दसने एस फाइल दे विच अपनी रिपोर्ट कितने जानकारी दी। इन्हों की मंशा है कि ये पूरा पूरा मुल मिल जाए तो गुरु घर जाए टठे खूह च, साडियां नौकरियां बुलंद रहन, असी अपने आका का आशीर्वाद लैके तो जलेबियां खाइए। कौम जिहड़ी आ अज रो रही आ कि सानू दसो साडा सरमाया कित्थे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। दास भाई ईश्वर सिंह हैदराबाद दखण तो पिछले दिन 267 पावन सरूपां दे घट पाए जाण कारण श्री अकाल तख्त साहिब वालों एक पड़तालिया कमिशन बनाया गया सी। दास दे नाल तीन होर यानी दो होर मैंबर सन, टोटल असी तीन मैंबर सां जिन्हां ने रिपोर्ट तैयार की पड़ताल करन उपरंत, तो जिस दीआं तीन कॉपियां बनाईआं सन, तो ऐसा कित भी नहीं है कि कोई असल तो नकल कॉपी है। दास दे कोल एक कॉपी है जिसे हर अंग दे दस्तखत हन तिना मैंबरां दे, ते जिहड़ी दो कॉपियां श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं समर्पित कीतीआं गईआं सन उहदे केवल अखीरले अंग ते ही तिना मैंबरां दे दस्तखत हन। सो एक कहना झूठ है कि कोई असल ते नकल कॉपी बनाई गई है। दूजी गल, भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी ने जो कि सबका जथेदार रहे जिन्हां दी बोलबाणी बड़ी खौरी सी, उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले जिहदे विचों पहला झूठ इन्हां ने यह गल कही कि 125 पावन स्वरूप जिन्हां दे जिल्द साजी हो चुकी सी, जबकि ऐसा नहीं सी, बिना जिल्दां तों बधेरे अंगां तों बनाए गए सन। फिर दूजा इन्होंने झूठ बोलिया कि भाई ईश्वर सिंह सिंह साहब के क्लासमेट हैं, वह दास उन्होंने उम्र तो काफ़ी उम्र बधेरी है दास की। फिर तीजा झूठ इन्होंने ये गल कही कि बादलों का जिक्र उन्होंने रिपोर्ट के लिखा हुआ है कि वह दोषी हैं, जबकि बेरका जी जो सरबजीत सिंह जी सन उन्होंने पूछा गया, दास ने कमीशन ने पड़ताल कमीशन ने पूछा कि जे थोड़े कोई सबूत है तो जरूर दियो तो असी उन्होंने जिक्र करांगे। इन्हां दे सीनियर कोल जो आर एस बैंस हैं अजीत सिंह बैंस के सपुत्र चंडीगढ़ साहब चंडीगढ़ विखे दास उन्होंने को पहुँचे, उन्होंने बेनती की कि जी तो थोड़े कोई सबूत है तो दियो, बिना सबूत की दास इस कमीशन की रिपोर्ट लिख सकता है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं लिख लिखा जा सकता। सो ऐसी कोई गल नहीं है जो सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी सबका जथेदार बयान कर रहे ने, इन्हां तो सुचेत रहे हो कि झूठ बोल रहे ने, गुरु महाराज रामदास जी के दरबार के अगे खड़ के झूठ बोले ने। सो जो कि इन्हां नहीं शोभदा, सो दास सारी संगत को बेनती करता है कि इन्हां तो सुचेत रहना, ऐसे बयानों तो सुचेत रहना। इस रिपोर्ट को आप जी चंगी तरह पढ़ो जिदे बहुत ही घोख के जो साढ़े मूहरे यानी लैजर्स आए उसनू घोख के असी रिपोर्ट बनाई है महाराज हाजर नजर जान के। सो आप कृपा करके इन गलत बयानियों तो बचो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ईश्वर सिंह जी कहते हैं कि अपनी वीडियो में कि भाई रणजीत सिंह ने झूठ बोलिया कि 125 पावन स्वरूप की जिल्द असानी हो चुकी है कि उन्हां वल्लों अपनी रिपोर्ट के पन्ना सफा नंबर 159 ते लिख के मन्या गया आप। तो ये ईश्वर सिंह जी कह रहे ने कि ये झूठ बोलिया उन्होंने। मैं हुण इन्हां नूं इन्हां दी जिहड़ी इन्हां ने रिपोर्ट असली है कि नकली इन्हां नूं पता हो। एक सौ 159 पेज आ देखो पढ़ सकते की लिखा इन्होंने आप लिखा। तो अलावा जागत जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 125 पावन स्वरूप भी वधीक अंगां तों
गुरबचन सिंह मीर सकत्तर पब्लिक कम्युनिकेशन विभाग के आदेश अनुसार तैयार किए गए, पर यह जो गुरबचन सिंह का अपना बयान है इस रिपोर्ट च उहदे विच भी ते अगे जाके इस रिपोर्ट च विच ही इसे ईश्वर सिंह ने लिखा कि बिना इजाजत के अनधिकारित छापे गए। असी कित्थे झूठ बोलिया? असी यह कहा सीगा कि 125 सरूप जिहड़े ने 125 नहीं, असी कहा सी कि जिहड़े 267 सरूप जिहड़े ने पूरे करन लई जिल साजा कोल समान जा चुका, समगरी जा चुकी है, ते वह छाप के उत्थे रख देणगे ते कहणगे समान पूरा हो गया। ये 125 का अंकड़ा ईश्वर सिंह ने दिता, अपनी स्टेटमेंट दे विच दिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच दिता, 65 का अंकड़ा भी, 125 का अंकड़ा भी और 328 का अंकड़ा भी। ये झूठ कौन बोलता? गुरु के दर से आके सामने आके कैमरे नू फेस कर, मीडिया नू फेस कर, फिर तेनू पता लगूगा तू कित्थे खड़ा है, तू हैदराबाद की चीज है। देखो हाई कोर्ट का जज हुंदा या कोई गस्टच अफसर हुंदा जिन्हें कदी जांच कीती होवे, कोई पुलिस ना संबंधित हुंदा, फौज ना संबंधित हुंदा, तो उत्थों कोई आस रखी जा सकती? देखो जी, देखो जी जांच तो मैं ते असी ते साडा सवाल ही आ कि जे ये सानू 200 सरूप ते 28 हुक्मनामे मिलने आ जदों इनवैसटीगेशन हुई, इनवैसटीगेशन कर सकती पुलिस या कोई एजेंसी, उहदे लई दरखास्त दिओ। जे तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बेदबी हुंदी आ अपना सरहंद या उहदे लागे पिंड च, तुसीं उत्थे जा के पुलिस इनवैसटीगेशन करे, पुलिस सानूं दोषी फड़ के देवे, ते इत्थे क्यों नहीं? इत्थे की आ? इत्थे कह के पिछा आ? फिर ये जिहड़े ईश्वर सिंह जी ने इन्हां ने कीते किराए ते साइन ज़्यादा कीते। एक पहली गल ते तुहानूं लिआंदा गया कि 2015 तो लैके 20 तक की इनवैसटीगेशन करो, तुसीं 12 तो लैके ते 15 तक बनी रिपोर्ट ते साइन करके अगे करते, जिहदे विच 5-6 अफसर दोषी ने, ते रिपोर्ट दे विच क्लीयर लिखा है। ते 2020 दे विच सैकटरी चीफ सैकटरी रूप सिंह लिख रहा कि तो पैसे वसूलने बनते, इन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई होनी बनती है, पर कुछ देर पहले उन्होंने सरोपा दे के सन्मान नाल रिटायरमेंट तो बाद घर भेजा गया, कार्रवाई हुई कित्थे आ? तो असी तो ये मुलाजमान के खिलाफ तुसी सानू गुस्सा कट के कहो भी असी सुरखरू हो गए, ये गल गलत आ। जिहड़ा चोर फड़िया जांदा उहनू सज़ा मिलनी चाहीदी आ। दूसरा ये आ कि तुसी वो आर्डर बुक क्यों नहीं ली, जिहड़ी आर्डर बुक ते आर्डर लिख के सरूप लिख के एड्रैस लिख के तुसी सरूप भेजे, ते जिहड़े भेजे जिहड़ी थां ते साडू अपने तसल्ली हो जाऊगी ये ठीक थां ते गए ने, भी जिहड़े सरूप आर्डर नाल गए ने वो आर्डर बुक कित्थे आ? वो तुहाडी इनवैसटीगेशन का हिस्सा क्यों नहीं बने? जिहड़ियां स्लिपां आईयां 328 सरूप देण लई, वह सरिपा तुहानू कमलजीत सिंह ने दित्तियां, ते अज दे प्रधान दे पीए ने खोलियां उहदे कोलों ते जेब च पा लियां, वह तुहानू क्यों नहीं दसदियां? वह तुहाडी इनवैसटीगेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनिया? ते बहुत कुछ है असीं होर दसांगे, पर तुसीं ये जिहड़ियां बिच गड़चियां कर रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो रणजीत सिंह जी गुरु घर आके। मैं गुरु घर आके ना झूठ बोलिया ते ना मैनूं कोई लोड़ आ, क्योंकि मैं पाप नहीं कीता। पाप तुसीं कीते हो, तुसीं लुकदे हो, लुक के अपना टाइम पास करते हो, अपन शक्ल दिखाओ प्रेस के सामने, कैमरे के सामने, लोगों के सामने, पंथक प्लेटफार्म से, तो असं जाने तुम ठीक हो। ये रिपोर्ट जी ईश्वर सिंह जी आपे दस चुके ने कि एक रिपोर्ट आ जिदे असी तिना जन ने हरेक पेज से साइन किए, दो बीबिया एक ईश्वर सिंह जी, तो दो कापियां मैं सौंपियां काल तक, तो उन्होंने सिर्फ मैं अखीर से साइन किए ने, नाल बीबिया भी हो सकते हैं, तो वो जिहड़ियां दो कापियां ने एक तो होगी काल तक साहब के कोल, वो कापियां ने जे वह कापियां ने तो उन्होंने साइन कापी करवाउंदिया होने चाहिए सी इन्हां दी, वे ये झूठ बोल रहे ने, असल चो दोबारा बनाईया गईयां ये जिहड़ी असी कापी लई आ, असी किते बनाई नहीं, इन्हां दी फेसबुक तो लई है, जिहड़ी इन्हां ने लोगों नूं बेवकूफ बनाउण लई फेसबुक ते पाई, लोगों की जानकारी ली, प्रबंधक कमेटी की फेसबुक ते पाई। फेसबुक झूठ कुछ हजम करना चाहते ने, फेस नहीं कर पा रहे लोगों,
एक कार्ज बहुत जड़ा गंभीर ते साड़ी कौम दे हिरदे नाल जुड़िया होया उस कार्ज लई इन्नी लुका छिपी क्यों। एक पहली गल ते है कि डॉक्टर ईश्वर सिंह या एडवोकेट ईश्वर सिंह या हैदराबादी ईश्वर सिंह जी इन्हे समर्थ नहीं गए जिन्ना वड्डा उन्हां नूं कार्ज देता। दूसरा उन्होंने किते भी इमानदारी नहीं दिखाई। पहली गल ते है कि जेडे 328 सरूप गए ने उन्हां दी दसणे एस एस फाइल दे विच अपनी रिपोर्ट दे विच किथे जानकारी दित्ती है ते की इन्वेस्टिगेशन कीती है। कमलजीत सिंह ने अपने बयानां च कहा कि साडे कोल कच्चियां पर्चियां ते जिहड़ियां आर्डर आउंदा सी उहदे अनुसार असीं दित्तियां बीड़ां। इह जांच दुबारा होनी चाहीदी। पहला यह गल तो सुन लो जी की सुन ली आपां जिहड़ा कमलजीत सिंह आ मैनेजर आ वह कहिंदा जिहड़े कच्चियां रसीदां आउंदियां कच्चियां पर्चियां आउंदियां सी जिहड़ियां स्लिपां आउंदियां उहनां ते असीं इह सरूप दित्ते आ ते जदों असीं दित्ते आ सरूप ते इह उहनां तों पुछो जिन्हां ने आर्डर कीता स्लिपां मेरे तों उहनां ने लै लईआं उह स्लिपां हुण गोबिंद सिंह लौंगोवाल दी जेब च पईआं ने। तों इह इह जिहड़ियां जेब च पईआं ने इह ईश्वर सिंह ने कढवाईआं उहदीआं इनवेस्टिगेशन है। तो ईश्वर सिंह जरा इन्हें बहुत कुछ लुकाया जिहड़ा जिहड़ा हिस्सा बनना चाहिदा सी इनक्वायरी दा इन्हें बहुत कुछ लुकाया। असी हर हर एक एक गल जिहड़ी दसांगे संगत नूं ते जे चंगी गल आ कि मैं हाल ही बड़ी रिस्पैक्ट नाल हाथ जोड़ के बेनती करदा डॉक्टर ईश्वर सिंह जी तुहाडा दोस्त होवे तुहाडा क्लासमेट होवे हरप्रीत सिंह नूं नाल लो दी हैल्प करो तुसी काल तख्त ते सदो मैं उत्थे आऊंगा तुसी घंटा घर सदो उत्थे आओगे तुसी समुंदरी हाथ सदो मैं उत्थे आऊंगा ते प्रेस दे सामने सानू जवाब दिओ प्रेस दे सामने अपनियां गल्लां दस के सानू झूठा साबित करो ये बुक च लड्डू ना भोरो। पुछण मैं डिया कि गुरु ग्रंथ साहब के सरूप कित्थे गए पुरातन सरूप तो जवाब तुसी कह रहे रणजीत सिंह झूठ बोल रहे। तो ये गल्लां जिहड़ियां ने बिल्कुल गलत ने ये मैं बयान जिहड़ा लिख के दे रहा तुहानू ते विद प्रूफ लिख के दे रहा सारा कुछ साइन करके दे रहा किते भी मैं झूठा हो इहदे अलावा कोई होर जिहड़ा इन्हां ने पाया उत्ते होर हैगा। रिपोर्ट तो ही मनुक्कर अते संगत नूं गलत जानकारी देन दे रहे हन ये मेरा हुण आरोप आ दखण दे भाई ईश्वर सिंह जी दे। तो मैनू सब तो खुशी तो इस गल की है कि अज उन्होंने अपना नाँ अपनी बायक दे विच असली दस्या कि भाई ईश्वर सिंह हैदराबादी जबकि साढ़े सामने इन्हों का नाँ आया सी तो उदों ये आया सी तेलंगाना दे हाई कोर्ट दे एडवोकेट ईश्वर सिंह। तो मैं सारी रात लगा रहा गूगल ते कि ये जरा तेलंगाना हाई कोर्ट दे रजिस्ट्रेशन जिहड़ी आ ईश्वर सिंह दे नाँ दी लभण लई जो उन्हां नूं क्योंकि मैं जानना चाहुंदा सी वी किन्ने क काबल सिख नूं एडी दूरों जाके लब्भा तो उत्थे इन्हां दे नाँ दी कोई जानकारी है नहीं। नंबर दो ते फिर इन्हां दा नाँ आया डॉक्टर ईश्वर सिंह जी। तो फिर मैं मैनूं ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਿੰਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਘੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
दूसरी गल जे ज्यादा तसली करवानी चाहते हो तो कृपा करो अपने अपने मोबाइल की दो दो तीन तीन महीनों की सानू डिटेल दे दिओ संगत के सामने आपे ही आ जाओगे। उस तो बाद भाई ईश्वर सिंह वालों सोशल मीडिया से अपनी वीडियो पा के ये साबित कर दिता कि असल रिपोर्ट तो हर वर्के सफे ते तीन मैंबर के दस्तखत हैं पर उन्हां वालों ये रिपोर्ट अणअधिकारित ते गैर कानूनी तौर पर अपने कोल रखी हुई है अते जो रिपोर्ट दीयां दो कापियां कार्रवाई लई दित्तियां गईयां हन वो उसके सिर्फ अखीरले वर्के ते मैंबर दे मैंबरां दे दस्तखत हन। इस तों ईश्वर सिंह दी मनसा दा पता लगदा है। हुण असीं इस उच्चे किरदार दे डाक्टर ईश्वर सिंह नूं जां संत ईश्वर सिंह नूं पुछ लईए कि तुहानूं एक जिम्मेवारी सौंपी अकाल तख्त ने कि ए करो इन्वेस्टिगेशन करो ते जिहड़ी असल रिपोर्ट आ उह तुसीं अजे तक अपने कोल लकाई बैठे हो जिहदे ते तुहाडे हरेक पेज ते साइन आ जिहदे कितू परंतू नहीं ते इह जिहदे ते साइन ही कोई नहीं उह तुसीं अकाल तख्त नूं सौंप रहे ते इहदी वजह की है इहदी कृपा करके दसो। जिहड़ी जिहड़ी पेज ते जिहड़ी पेज ते पई आ जां फेसबुक ते पई आ प्रबंधक कमेटी दे उहदे ते कोई साइन नहीं जिहड़ी तुसीं हरप्रीत सिंह नूं दित्ती उहदे कोई साइन नहीं ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬੱਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 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 ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਓ ਪਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਏ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈਏ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲ ਸਾਢੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 63 ਤੋਂ 64 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 200 ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2004 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਆ ਹਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 200 ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲ FIR ਜਿਹੜੀ CBI ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਸਰੂਪ ਅਸਲ 2 ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ
आर्मी ने और होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई ने कट्ठा एक एफिडेविट दे के हाई कोर्ट दे विच ये जानकारी दिती कि असी 84 तो बाद 90 दे दरम्यान 3 किश्तां दे विच ये कमेटी नू दे चुके हैं। तो ये कमेटी हुण सानू दसे इन्हां कोल केड़ी चीज़ नहीं, असी लिस्ट बनाई है उस समय की लिस्ट असी दे रहे हैं, जिहड़ी चीज़ इन्हां कोल नहीं पूरी हो रही सानू दसी जावे। तो वो कमेटी ने अज तक उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये एक तो ये केस सीगा जिहदे लई असी इत्थे आए, आए भी उदों जदों तुसीं जिहड़े पुछण वाले सिख ने जां प्रोटेस्ट कर रहे ने, तुसीं अदालत नहीं दस रहे, तुसीं मीडिया नूं नहीं दस रहे, तो जानकारी दे रहे, तुहानूं संगत पुछ रही, तुसीं जवाब नहीं दे रहे, तो उन्हां दीआं लत्तां बाहां तोड़दीआं। फिर ये हुक्म चाढ़ दिता कि इत्थे कोई प्रोटेस्ट नहीं करूगा, उस हुक्म दा उहदा विरोध करके उहनूं चैलेंज करके मैं 7 तरीक नूं घंटा घर सामने आया सी कि ये अधिकार साथों तुसीं नहीं खोज सकते, असीं आवांगे गुरु तेग बहादुर साहब दे सिख बन के, तुसीं महंत बन के दरवाजे बंद कर लियो या सानू डांगा मारियो, ये तुहाडी अपनी इच्छा होगी, पर असीं तुहाडे तों हिसाब लैण आउणा। तो मेरा 7 तरीक नूं आउण दा मकसद यही सी, मैं घंटा घर दे बाहर 4 घंटे बैठ के गया। तो कुछ नाम निहाद बंदिआं ने यह भी कहा कि ये पिरत पई है नवीं, मैं उन्होंने पूछना चाहता कि गुरु तेग बहादुर साहब ने पिरत पाई सी, वह थड़े ते आके बैठे रहे, उन्होंने अंदर नहीं एंटर होने दिता। ये बाबा फतेह सिंह जरा जिन्हें मरण कुंड बनाया अकाल तख्त से, उदों के लीडर ने पिरत पाई ही जी, मैं तो घंटा घर बैठ, वह तो अकाल तख्त के उत्ते जिथे मरण कुंड बनया। फिर जे बादल साहब ने मरजीवड़े बना बनवा के मरवाए 82 के वो मोर्चे धर्मयुद्ध मोर्चे, वो अकाल तख्त के उत्तों सियासी खेड सी जिहड़ी अकाल तख्त के मुकाम तो स्टेज तो हुई, असी तो घंटा घर के बाहर बैठे। तो घंटा घर के बाहर भी असी इन्ना ध्यान रखिया कि एक तो असी सारी संगत ना मत्था ना टेकी, क्योंकि कोई भी सिख इस जकारा छड़ सकता, तो साडियां परंपरावां दे उल्ट होगा हरिमंदर साहब दे विच जकारा। असी इस करके संगत दे नाल जकारा नहीं छड़िया कि कोई गलती ना होवे, असी प्रदक्षिणा च मत्था टेक के शुक्रिया अदा कीता। दूसरा असी यह ध्यान रखिया कि हरिमंदर साहब वाला पिठ ना होवे। तीसरा असी यह भी ध्यान रखिया कि सतनाम वाहिगुरू का जाप होवे या कीर्तन होवे, या फिर असी जिहड़ी डिमांड करनी आ जिहड़े साडा खजाना नहीं मिलदा वह तुसी जे दसण वास्ते नहीं आए तो असी उन्हूं रिपीट करिए, सिखां नूं दसीए कि साडे बड़ी बेशकीमत सरमाया ये मिलना चाहिए, असी इस वास्ते इत्थे आए सीगे। ते ईशर सिंह ने इल्जाम लगाया अपनी वीडियो दे विच कि रणजीत सिंह ने गुरु रामदास दे दर ते झूठ बोलिया, हुण सानू दस देवे भी झूठ की बोलिया तां कि असी उहदा जवाब देईए, वरना असी ते इहो ही कुछ इहदा चिट्ठा ही पढ़ के सुनाया उत्थे जो कुछ इहने आप लिखिया, वह अपने कोलों कोई गल नहीं की। 260 सरूपां की गल है तां वी इहनां ने कीती, आप 328 सरूप है तो वी ईशर सिंह की जबान चों निकले कि इहने घट ने, जे 200 ग्रंथ नहीं मिल रहे अपने पुरातन साडा खजाना जिहड़ा ते वो भी प्रबंधक कमेटी के बयान ने, तो असी तो कोई रोप लगाया ही नहीं। दूसरा सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं हाँ JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। COVID-19 की महामारी तो बाद UK USA कैनेडा आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के नियमों में आया है वड्डा बदलाव। जेकर तुसी भी इन्हां कंट्रियां दे विच स्टडी वीज़ा अप्लाई करन बारे सोच रहे हो तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी की एक्सपर्ट टीम तो सलाह लेना ना भुलना, क्योंकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी कोल है पिछले 13 साल का वड्डा तजर्बा, जिन्हां दी मदद दे नाल हज़ारां ही पंजाब दे नौजवान विदेश दे विच अपना चंगा भविख बना चुके ने। जेकर तुसी भी विदेश पढ़ाई वीज़े ते जाना चाहुंदे हो तां स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रहे नंबर ते कॉल करके तुसी मैनू अमृतसर ते जलंधर ऑफिस दे विच मिल सकदे हो, और असी करांगे तुहाडा विदेश दे विच पढ़ाई करन दे सपने नूं साकार। धन्नवाद।